जी नाज़रीन इकराम, आपका खैर मकदम है और आप इस जिक्र जमील में शामिल हैं। शेखुल इस्लाम का हसीन जिक्र जारी है, गौसुल आलमीन का हसीन जिक्र जारी है और हम अपने मुकद्दर को संवार रहे हैं। सच्ची बात तो ये है, अल्लाह पाक उनके उनकी नज़र फैज़ हमें भी अता फरमा दें। सामिन मोहतरम, बात हो रही थी और हजरत कबीला प्रोफेसर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही। आपने तीनों कॉल रखे, 3 दिन के भी, 7 दिन के भी और 17 दिन के भी, लेकिन अगर 17 दिन का ज़्यादा मारूफ है, अगर उसी कॉल को अगर देखा जाए तो आप देखें, आप 17 दिन अपने शेख की बारगाह में रहे और उसका नजारा देखें कि फिर मिलता क्या है कि बहुत बड़ी हस्ती हजरत शेख फखरुद्दीन इराकी रहमतुल्लाह तआला, जो इल्मो हिकमत के समंदर थे, बहुत बड़े शायर थे, आप 17 दिन अपने शेख की बारगाह में रहे तो वो 17 साल हजूर शेखुल इस्लाम की बारगाह में रहे। तो फिर ये इस तरह रंग अता होता है। किबला सैयदी साहब, फरुखान सैयदी साहब हमारे साथ जलवा फरमा है। हजूर बाबा साहब सरकार जो है, जोहदुल औलिया, जोहदुल अंबिया, हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर और हजूर शेखुल इस्लाम का बड़ा गहरा ताल्लुक है, बड़ा कल्बी लगाव था, इस हवाले से मैं चाहूंगा कुछ आप वजाहत फरमाएं। जी मैं अर्ज करता हूँ, डॉक्टर साहब ने ये जैसा फरमाया ना, बड़ी खूब बात फरमाई है कि शेख शुयूख ने अपने इस मुरीद सादिक को जब खिरका अता फरमाया तो फरमाया कि मेरे पास अमानत है नस्लन बाद नस्लन अमीरुल मोमिनीन खलीफे चहारों सैयदना अली बिन अबी तालिब से, वो खिरका भी और मुसल्ला भी वो हजरत हुजूर गौसुल आलमीन को अता फरमाया और फिर फ्यूज़ और बरकत दे के रवाना किया। आपका सवाल बहुत अहम है। हजरत सैयदना फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर फारूकी रहमतुल्लाह अलैह आपके यहाँ मसर हैं, अगरचे बाज़ हजरात ने ये कहा है कि हज़रत बाबा साहब और हुजूर गौस बहाउल हक खालजाद भाई हैं, उसकी तस्दीक तो नहीं हुई। हम असर और हम जमान हैं और आपस में बड़ी मोहब्बत है, बल्कि हज़रत बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों ने आपसे अर्ज़ किया कि आप भी हज़रत बहाउद्दीन को शेखुल इस्लाम कहते हैं। हम असर देखे ना, मुआसरत तो हर जगह होती है और अक्सर ये होता है कि हम असर को नहीं मानते। अल्लाह हू अकबर। तो आप भी हजरत बहाउद्दीन को शेखुल इस्लाम कहते हैं? वाह वाह। फरमाया मैं नहीं कहता, लौहे महफूज पर लिखा हुआ है शेखुल इस्लाम बहाउद्दीन जकरिया। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर जादू वो जो सरचढ़ के बोले, तो सरचढ़ बोले क्या बात। अच्छा, दूसरी बात ये देखें कि हजरत हुजूर फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के एक खलीफा थे हजरत जमालुद्दीन हासवी रहमतुल्लाह अलैह, आपके खुलफा में हुज़ूर निज़ामुद्दीन औलिया, मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलजरी, हजरत बदरुद्दीन इसहाक अलैह, बड़ी बड़ी हस्तियां। हजरत जमालुद्दीन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह, नाम भी जमालुद्दीन था और साहिब जमाल थे, क्या खूबसूरत थे। तो हुज़ूर गौसुल आलमीन ने फरमाया के फरीद भाई ये जमाल मुझे दे दो और इसके बदले जो खलीफा चाहो वो मुझसे ले लो, जमाल मुझे दे दो। तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन का जवाब सुनिए, फरमाया भाई जान माल का तबादला होता है, जमाल का तबादला। क्या बात है, वाह 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 सुभान अल्लाह। और इसी तरह आपस में जो ताल्लुकात थे प्यार मोहब्बत पर उस्तवार, कि एक मरतबा हुजूर बहाउद्दीन ज़करिया ने ख़त में लिखा हज़रत फरीदुद्दीन गंजे शकर को कि दरमियाने माओ शुमा इश्क बाजीस्त, कि आपकी और मेरे दरमियान इश्क बाजी है, वो यानी इश्क हकीकी मारिफत। तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन ने जवाब दिया कि बिरादरम दरमियाने माओ शुमा इश्कस्त बाजी नेस्त, के बाजी कार तिफलानस्त, इश्क है वा, वा, बाजी वा, नहीं है। तो अच्छा अर्थ देखे, फिर हजूर बाबा फरीदुद्दीन मुल्तान में तशरीफ लाए। ठीक, मुल्तान में एक मस्जिद है, डॉक्टर साहब ने देखी होगी, उसको दर्स वाली मस्जिद कहते हैं। दौलत दरवाजे से दिल्ली दरवाजे को जाएं अलंग पर से जो फसील है उसको मुल्तान में अलंग कहा जाता है, उसमें दौलत दरवाजे से आए तो सीधे हाथ वो मस्जिद है। हुजूर बाबा साहब वहाँ तालीम हासिल करते रहे और हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह भी वहाँ तशरीफ लाए और हजरत कुतुबुल अख्ताब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब मुल्तान तशरीफ लाए तो लोगों ने कहा हुजूर आप मुल्तान में ठहरिए, यहाँ सिलसिला चिश्तिया नहीं है, सुहरावर्दियों का इक्तदार है। तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया के बराए मुल्तान
برادرم بہاودین کافی است کہ ملتان کے لیے غوث العالمین کا سایہ کافی ہے کیا کہنے اور صدیوں تک سلسلہ سہروردیہ کا عروج رہا۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت جناب سیدی صاحب کی گفتگو، جی چاہتے سنتے جائیں کیونکہ آپ ایک انسائیکلوپیڈیا ہے علم کا۔ قبلہ سیدی صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، میری سعادت ہے کہ دونوں سیدی بیٹھے ہیں، اور یہ جب سیدی بیٹھے ہوں تو شکاوتیں سعادت میں بدل جاتی ہیں۔